अब हम मजीद और एफिशिएंसी की दो टाइप्स पर बात करते हैं यानी एलोकेटिव और प्रोडक्टिव एक तो समझ आ गया कि एलोकेटिव एफिशिएंसी वो है कि जिसके अंदर अंदर हम कैलकुलेटेड रिसोर्सेज होंगे फॉर एग्जांपल आपकी इनपुट तीन किस्म की है आपने ह्यूमन रिसोर्स बेस इनपुट देनी है फाइनेंशियल इनपुट देनी है और आपने रॉ मटेरियल रिसोर्स इनपुट देनी है। फिर आपके प्रोसेस में होंगे व्हाटएवर द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर यानी आपके उसमें कितने बैचेस होंगे कितनी मशीनरी रिक्वायर्ड होगी कितना टाइम रिकॉर्ड होगा और फॉर एग्जांपल आप आठ घंटे को चलाएंगे बारह घंटे चलाएंगे अट्ठारह घंटे चलाएंगे तो वो प्रोसेस कितने में मेंटेन करेंगे एंड देन फिर आप उसका आउटपुट क्या निकालेंगे और फिर टोटल कैलकुलेट करके आप जो है उसका रिजल्ट निकाल रहे होंगे अच्छा सब चीजों को देखते हुए हमें समझ आ गया और अब एलोकेटिव एफिशिएंसी को समझ लीजिए और याददाश्त में ले आइए Means that the particular mix of the goods a society produces represents the combination the society most desire. So this is what uh, it is actually about the allocative efficiency, where the productive efficiency is much important in that way. In a recent time, you have seen that digitization is digital world is. that robust technology is coming. You see that your standard systems are आपकी एफिशिएंसी तेज होती जाती है और आपकी जो इनपुट है वो भी तेज होती जा रही है सो so उसके अंदर आपको जो है जितनी एमिकेबल टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट आ गई है उसके अंदर आप फॉर uh, एग्जांपल आपने लेथ मशीन्स लगाई हैं तो उसके अंदर सेक्टर 3.6 का लेकर आ रहे हैं या सिक्स का लेकर आ रहे हैं तो वोल्टेज कितना है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है सो so टेक्निकलिटीज को देखते हुए आपने जितने अच्छा इक्विपमेंट देंगे कॉस्ट उतना रिड्यूस होगा तो याद रखिए प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब समझ लीजिए कि हमारा कॉस्ट ऑफ uh, जो प्रोडक्शन है वो लो होना बहुत लाजिम है अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो नहीं होगी ना मेरा टैरिफ कम होगा ना मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा ज्यादा होगा और मेरी बाकी चीजों भी वो प्रॉब्लम में आएंगी हैव अ लुक ऑन इट सो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मींस दैट गिवन द अवेलेबल इनपुट एंड टेक्नोलॉजी It is impossible to reduce more of one good without decreasing the quality of another good that produced. This is what the uh, efficient example of productive efficiency. Thank you very much.